सरताज, मैं आपको एडिट जो उसमें ऑप्शन तो मैंने शायद एक्टिवेट ना किया हो व्यू का, तो मैं चले नेक्स्ट में ना वो लेक्चर आप मुझे बता दें किस दिन का है, ताकि मैं आपको ना वो एडिट में सेंड कर लूँ ताकि आप डाउनलोड भी कर सके। ठीक है, ठीक है सर, बस वो एक लेक्चर में मसला है सर, बाकी सारे वो डाउनलोडेड है सर मेरे वो पास। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ओके सर। वो भी हो जाएगा। तो एनीवेज ये मैंने रिकॉर्ड पे जो ना की है, और अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और ज़रा अगर कोई, मेरे ख्याल से 24 स्टूडेंट्स हो चुके हैं तकरीबन, जो है स्टूडेंट्स आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम जो है हम कुछ ऑपरेटर्स जो क्वांटम मैकेनिकल टूल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो इक्वेशंस भी थी और हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स थे। तो जैसे हम जो है किसी वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं फॉर एनी सिस्टम डिस्क्राइबिंग दी वेव्स एसोसिएटेड विथ एनी क्वांटम पार्टिकल, तो इन दैट वे जो कैटब्रा नोटेशन है, लेट सपोज हम यहाँ पे साई स्टार साई लिख लेते हैं, ठीक है जी, फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वी यूज साई स्टार साई। ठीक है जी, ये एक नोटेशन है आपके पास। ठीक है, इन अ पैरेलल वे, उसी जो नोटेशन के पैरेलल हमारे पास जो है कुछ और इस तरह के जो ना एक नोटेशन हमारे पास है, जिसको हम जो है डायराक्स कैटब्रा नोटेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये कैटब्रा नोटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई आपके पास है, अगर एक्स जो है इज कॉल्ड प्री फैक्टर और वाई इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर, इंस्टेड ऑफ टू नोटेशंस डायराक ड्राइव दी नोटेशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक्स वेक्टर है तो इन टर्म्स ऑफ कैट हम उसको कैसे लिखते हैं, लेट्स सपोज एक्स कैट इनटू वाई ब्रा। ठीक है जी, फर्स्ट इज कॉल्ड दी ब्रा एंड द सेकंड इज कॉल्ड कैट, सो द स्केलर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज। ठीक है जी, अगर हम ब्रा कैट नोटेशन में लिखें इन टर्म्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, जैसे हम किसी भी जो है ना वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ साई स्टार साई। ठीक है जी, तो इन अ सिमिलर वे हम क्या करते हैं, उसी सिमिलर फैशन में हम जो है साई स्टार साई को वही उन्हीं जो है ना वेव फंक्शंस के फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं दो वेक्टर्स, ठीक है जी, जिनको हमने एक्सप्रेस किए हैं एक्स और वाई में, इन अ सिमिलर वे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स और वाई को इनटू ब्रा एंड कैट नोटेशन में। अच्छा जी, कैट ब्रा हैव बीन टेकन फ्रॉम दी ब्रैकेट कैंसिलिंग सी, सो वी कैन राइट दी स्केलर प्रोडक्ट एक्स वाई एज एक्स वाई ब्रा एंड वाई कैट, डायराक अस्यूम दैट करस्पॉन्डिंग टू ईच ब्रा वेक्टर। ठीक है जी, अगर जो ईच ब्रा वेक्टर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ब्रा है, तो आपके पास देयर इज अ कैट, इन टर्म्स ऑफ कैट हम अगर उसको एक्सप्रेस करें तो हम जो है ना वाई कैट लिख सकते हैं, एंड देन द ब्रा एंड कैट वेक्टर फ्रॉम स्पेसिस रिस्पेक्टिवली एंड कॉल्ड ड्यूल स्पेसिस टू ईच अदर। जैसे हम लिखते हैं एक्स आपके पास जो है ना ब्रा स्पेस है और वाई आपके पास जो है वो कैट स्पेस है, इन टर्म्स ऑफ ब्रा एंड कैट अगर आप लिख ले तो ये आपके पास आ जाएगा ड्यूअल स्पेसिस। ठीक है जी, जहां पे आप उस पर्टिकुलर वेक्टर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर हम साई को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ कैट में, ठीक है जी, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपने साई को एक्सप्रेस की इन टर्म्स ऑफ कैट में, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आप ये देख लें, साई इज एक्सप्रेस एज साई कैट, और साई स्टार को जो है हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रा में, जो कि क्या है बेसिकली आपके पास साई स्टार जो है दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई का आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है जी, और इन टर्म्स ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वेशन अगर लिख लें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है जी, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। तो फिर हम क्या लिखते हैं, ए कैप इंटू साई इज इक्वल टू, अगर हम यही इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेस करें हम इन टर्म्स ऑफ द कैट नोटेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कैप इंटू साई कैट इज इक्वल टू ए इंटू साई कैट। तो ये हमारे पास एक्सप्रेस हुआ जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ कैट में।
In a similar way, you can express the bra notation in terms of that particular vector. ठीक है जी, अगर आप psiket और bra form में लिखें तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, in terms of the corresponding vector जो है वो express होगी. अब let's suppose आपके पास जो है एक a vector है, a operator है, जिसका आपने यहाँ पे जरा देख लें कि एक notation use हुई है. ये basically आपके पास क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर है. ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप इनटू साई डी टॉ. ठीक है जी, ये बेसिकली आपके पास क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर है. ठीक है जी, एवरेज वैल्यू, और वो क्या है आपके पास, इक्वल है बेसिकली आपके जो वेव फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट वेव फंक्शन इनटू दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर इनटू साई इनटू डी टॉ. तो ये एज अ होल क्या है आपके पास, आपने जो जो ऑपरेटर है उसकी एवरेज वैल्यू ले ली है, और दैट कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ कैट ब्रा नोटेशन द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू ए साई ब्रा इनटू ए ऑपरेटर इनटू साई कैट. ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेस की है. तो अब ये जो कंडीशन है एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे इक्वेशन यूज की है, इसकी हम बहुत सारी जो है ना एग्जांपल्स भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. ये बेसिकली शो क्या कर रहा है जरा देखें, तो यहाँ हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, एक ही फंक्शन है जिसका हमने क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है, और उसी वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उस वेक्टर का जो है ना एवरेज वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसकी जो है ना कैटब्रा नोटेशन में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड देन द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की है, साई स्टार साई इनटू डी टॉ. ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू वन, मींस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट क्वांटम पार्टिकल दैट इज मैक्सिमम. ठीक है जी, वन है, तो उसको अगर हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ कैट ब्रा नोटेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई ब्रा इनटू साई कैट व्हिच इज इक्वल टू वन आपके पास आ जाएगा. और फिर जो है आपके पास डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन कंजुगेट ऑपरेटर अगर ले लें, तो जो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके थे, ए स्टार इनटू फाई, अगर आप उसका स्टार ले लें, इनटू साई डी टॉ इज इक्वल टू ए फाई स्टार इनटू ए के कंजुगेट इनटू साई इनटू डी टॉ इज रिटन इन टर्म्स ऑफ कैटब्रा नोटेशन, वो हमारे पास आ जाएगी. ठीक है जी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ले लें ए कैप इंटू फाई ब्रा, ठीक है जी, ब्रा ऑफ ए कैप इनटू फाई इनटू साई कैट, ठीक है जी, व्हिच इज इक्वल टू फाई ब्रा इनटू ए कैप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए कैप प्लस इनटू साई ऑफ कैट. ठीक है जी, और अगर आप हर्मिशन ऑपरेटर पे ये अप्लाई कर लें तो करस्पॉन्डिंगली आपके पास ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ साई कैट एंड साई ब्रा. तो यहां से आप देख लें कि जितने भी क्वांटम मैकेनिकल हमारे पास जो है ना टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं, लेट सपोज हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, लेट सपोज हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यू इक्वेशंस हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है ना हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, हमारे पास जो है ना डिफरेंट जो भी क्वांटम मैकेनिकल टूल्स हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी सिस्टम और एनी फेनोमेना, उसको हम पैरेलल जो नोटेशन हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस. तो कैट और ब्रा नोटेशन बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज अ पैरेलल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोटेशन. तो बहुत सारे जो है ना वो जो बुक्स रिटन फॉर्म में हमारे पास है उनमें जो है कैट ब्रा नोटेशन भी यूज हुई है आपके पास. ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, कुछ आपके पास कॉमन फंक्शंस हैं और कुछ आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, एंड देन कुछ आपके पास जो है वो डीजनरेट वेव फंक्शंस हैं. तो पहले हम देखें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस क्या हैं, फिर कुछ जो है ना कॉमन वेव फंक्शंस हैं तो उनको हम जो है ना सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे. तो जरा देखें यहाँ पे एक कंडीशन इसने जो है ना एक्सप्रेस की है कि C1 Psi1 plus C2 Psi2 up to CN Psi n is equal to 0. तो जहां पे आपके पास C1 C2 जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे, तो then Psi1 Psi2 up to Psi n are called linearly independent wave functions. अगर आपके पास जो है C कोई coefficient है यहाँ पे C1 से लेकर CN तक, उनको अगर हम 0 कर लेते हैं तो as a result जो Psi आपके पास आ जाएंगी wave functions वो क्या होंगी, those are linearly independent functions with respect to that particular condition. For example,
कोसाइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। अब जाहिर बात है अगर आप साइन देख लें, एक्स एक वेव फंक्शन है आपके पास, कोसाइन एक्स एक वेव फंक्शन है आपके पास, अगर आप इनको डिस्कस कर लें तो ये फंक्शंस भी क्या है, दोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ठीक है जी। अब यहां जरा देख लें कि हाउ दीज टू फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनकी नेचर देखें तो कोसाइन जो फंक्शन है वो नेचुरली आपके पास कोसाइन की अगर आप वैल्यूज ले लें, ठीक है जी, फॉर एक्स वेरिएबल, ठीक है जी, 0 ले लें, 45 ले लें, 90 ले लें, 180 ले लें, 350, इन अ सेम फैशन अगर आप साइन फंक्शन की वैल्यूज ले लेते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आपके पास अगर एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो देन यू कैन गेट अ डिफरेंट जो है ना साइन वेव एंड अ डिफरेंट कोसाइन वेव, जो कि आपके पास उस साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की बिहेवियर है, विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। सो वी कैन चेक इफ द सेट ऑफ फंक्शन साई वन साई टू अप टू साई एन आर ऑर्थोनॉर्मल, देन दे आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रीवियसली लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि इफ टू वेव फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास साई वन है, एक आपके पास साई टू है, ठीक है जी, और वो जो है इफ दे आर ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है जी, और जो कंडीशन हमने वहां पे यूज की थी, अगर आप देख लें इसमें ना ऑर्थोनॉर्मेलिटी में, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जरा इस कंडीशन को एक दफा फिर देख लें, ये देखें, हमने ये कहा था कि टू वेव फंक्शंस साई वन एंड साई टू मींस साई वन इज अ डिफरेंट फंक्शन, साई टू इज अ डिफरेंट फंक्शन, दे आर इंडिपेंडेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल if if they follow this condition psi 1 star psi 2 into d tau is equal to 0, means ki agar aap ek function ka complex conjugate le le with respect to the other function ya second function ka complex conjugate le le with respect to the first function, aur agar aap iski jo hai na ye condition fulfill kare which is equal to 0, to ye aapke paas kya honge, these two wave functions should be orthogonal with respect to each other, theek hai ji। तो हम यहां पे जो कंडीशन यूज कर रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, इस कंडीशन में हमने ये कहा कि इफ दीज टू वेव फंक्शंस जो आपके पास कोई से जो है ना फंक्शंस, यहां पे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, साई वन से लेके साई एन तक आपके पास हैं, तो अगर आपके पास इन्हीं फंक्शंस में, लेट सपोज आपके पास दो फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शंस क्या होंगे, साई एन से लेके साई एन तक वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे, देन दे आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर उस कंडीशन को ये फुलफिल करते हैं तो साई वन से लेके साई एन तक दीज वेव फंक्शंस आर टर्म्ड एज लीनियरली इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो सपोज दैट द लीनियर वेव कॉम्बिनेशंस ऑफ द फंक्शन साई वन अप टू साई एन इज जीरो, देन दिस मींस दैट सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू अप टू सी एन साई एन शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अगर आप इस पूरे कंडीशन का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आएगी, और उसको आप सॉल्व आउट कर लें, साई वन स्टार साई वन इंटू डी टो, साई टू स्टार साई टू इंटू डी टो प्लस सी एन इंटू साई स्टार एन वन इंटू साई एन डी टो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आपने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ली है विद साई स्टार वन, ठीक है जी, और इंटीग्रेट की है। अब जरा देखें जहां पे हमने जो है ना ऑर्थोगोनल जो कंडीशन है उसकी कंडीशन हमने अप्लाई की, तो हमने एंड पे ये कहा था कि अगर आपके पास इफ यू हैव फॉर एग्जांपल टू वेव फंक्शंस व्हिच आर इनिशियली इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, साई स्टार आई आई इंटू साई जे इंटू डी टो इज इक्वल टू सिग्मा आई जे शुड बी इक्वल टू जीरो। ये तब जीरो होंगे अगर आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है I is not equal to J, which means that these two wave functions are linearly independent. तो तब यहाँ पे क्या होगी, ये जीरो आ जाएगी यहाँ पे, और इस कंडीशन को हमने कहा था कि then this condition is termed as orthogonal condition for the two wave functions. In a same way, if this should be equal to one, ठीक है जी, then at that time I is equal to J. What do you mean by this? This means that the two wave functions are linearly dependent. Those are linearly dependent. So this condition is called orthonormal condition for the system. वहाँ पे हमने discuss किया था orthogonal wave functions and orthonormal wave functions. So हमारे पास यहाँ पे condition आ जाएगी C1 is equal to zero. Similarly, taking scalar product with respect to psi star 1, psi star 2, psi star n, we can see that C2, C3 up to so on
is equal to 0. This shows that the states psi 1, psi 2 up to psi n are linearly independent. Yeh phir condition pe depend karegi ki aapke paas orthogonal wave functions hai which are linearly independent or orthonormal condition hai which are linearly dependent. Theek hai ji? तो इसी जो है ना ऑर्थोनॉर्मेलिटी और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस को आप फिर एक और वे में जो ना अल्टरनेटिव वे में आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है. अच्छा जी, एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट वेव फंक्शन है जिसको हम नाम देते हैं डी जनरेट वेव फंक्शन. ठीक है जी, डी जनरेट वेव फंक्शन जरा इसको ये डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है और ये देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज अ डी जनरेट वेव फंक्शन. तो यहां पे ये क्या कहता है, एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज एन फोर डीजनरेट इफ देयर आर एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस करस्पोंडिंग टू दिस आइगन वैल्यू. इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, देखें इसको जरा वंस अगेन देख लें कि अगर आपके पास आइगन वैल्यू है किसी ऑपरेटर की और वो एन फोर डीजनरेट होगी, कोई भी आइगन वैल्यू वैल्यू जो है किसी ऑपरेटर की वो एनफोल्ड होगी, डीजनरेट होगी इफ देयर आर एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस. जो किसी भी ऑपरेटर की जो है ना आइगन वैल्यू जो है वो एनफोल्ड डीजनरेट होगी इफ देयर आर नंबर ऑफ वेव फंक्शंस व्हिच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो लेकिन करस्पोंडिंग टू दिस वन आइगन वैल्यू. ठीक है जी, तो इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको कन्वर्सली डिफाइन करें तो यू हैव एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस करस्पोंडिंग टू अ सिंगल आइगन वैल्यू. तो एट दैट टाइम सच काइंड ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड डीजनरेट वेव फंक्शंस. ठीक है जी, अगर आप इसको फर्दर डिफाइन करें, आइगन फंक्शंस करस्पोंडिंग टू द सेम आइगन वैल्यू मे नॉट बी ऑर्थोगोनल बट दे कैन बी मेड सो बाय टेकिंग देयर लीनियर कॉम्बिनेशन. अब इस ये जो कंडीशन है इसको फिर वो जो है ना टर्म कर रहा है कि अगर आइगन फंक्शन जो है ना जो करस्पोंड करते हैं सेम आइगन वैल्यू को मे नॉट बी ऑर्थोगोनल, वो जो है ना मे बी वो ऑर्थोगोनल ना हो, क्योंकि ऑर्थोगोनल के लिए आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म ये होती है ना कि दो फंक्शंस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि यू हैव एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस, यू हैव देयर आर मेनी वेव फंक्शंस. ठीक है जी, लेकिन आइगन वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास सेम है. तो ये कहता है कि मे नॉट बी ऑर्थोगोनल बट दे कैन बी मेड सो बाय टेकिंग देयर लीनियर कॉम्बिनेशन. कहता है कि ये मे बी पॉसिबल कि जो ऑर्थोगोनल कंडीशन को ये मीट करें, मे नॉट बी बट दे कैन बी मेड बाय टेकिंग देयर लीनियर. अगर आप उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ले ले, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किए है कि वी हैव नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल सी वन सी टू सी एन अप टू सो ऑन. ठीक है जी, वो आपके पास क्या है कोएफिशिएंट्स हैं करस्पोंडिंग टू दोज वेव फंक्शंस. ठीक है जी, यू हैव नंबर ऑफ वेव फंक्शंस एंड यू हैव नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स. तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो है वो जो ऑर्थोगोनल कंडीशन है वो मे बी वो जो है ना सेटिस्फाई हो या मे नॉट बी सेटिस्फाई हो, लेकिन जो कोएफिशिएंट है उनको हम जो है ना मेट कर सकते हैं बाय टेकिंग देयर लीनियर कॉम्बिनेशन. अच्छा, ये आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये क्या कह रहे हैं सर? ओके, ये आपने एक्सेप्ट सॉरी आपने जो ना यहाँ पे मुझे इसमें ये देखे ना आपने मंजूर नजर. ओके चले, मैंने ऐड किए. ठीक है, ओके. तो अच्छा, अब ये है आपके पास सिंपल डीजनरेट वेव फंक्शन. ठीक है जी, आपके पास जो डीजनरेट वेव फंक्शन है when you have n linearly independent, जैसे independent हमने define की orthogonal condition में भी define की linearly independent wave function क्या है वो भी define की है. तो you have n linearly independent eigen functions but corresponding to same eigen value, we term them as degenerate wave functions. ठीक है जी, तो उनको हमने degenerate wave functions जो है ना designate की है यहाँ पे. अच्छा जी, now another very important topic of quantum mechanics, that is the expectation with example. ठीक है जी, आपके पास एक expectation value होती है या average value होती है, वो हम calculate करते हैं and then उसकी physical interpretation भी हमारे पास है, हम उसको physically interpret करेंगे और उसको calculate भी हम यहाँ पे कर लेंगे और उसकी थोड़ी सी physical जो है ना वो भी हम यहाँ पे discuss कर लेंगे और हमारे पास बहुत सारे problems होंगे जिनकी हम जो है ना expectation values find out करेंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वेव फंक्शंस विच आर गिवन. अच्छा जी, अब जरा यहां पे देख लें, इफ वी हैव एन ऑपरेटर ए हैव टू आइगन फंक्शंस
साई वन एंड साई टू करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू. हमारे पास जो है जो ऑपरेटर हमने अप्लाई की है वो ए कैप है, ठीक है जी. अब जरा यहां पे देखें कि उसी आइगन जो 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 ऑपरेटर है हमारे पास ए, उस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वेव फंक्शंस हैं, आइगन फंक्शंस, वो वन और टू जो है ना, दो आइगन फंक्शंस हैं. और जो हमारे पास आइगन वैल्यू है दैट इज द सेम वन आई, जस्ट लाइक फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डीजनरेट वेव फंक्शन, ठीक है जी. अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन है और करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर which is applied on those particular two wave functions, we have one operator, ठीक है जी, एक operator हमारे पास है. तो जरा देखें, a cap psi 1 is equal to a into psi 1, a cap psi 2 is equal to a psi 2, और अगर हम ये condition apply कर ले in terms of Ketbra notation में, हमारे पास क्या आ जाएगा, integration psi star 1 into psi 2 d tau is equal to psi bra into psi ket, which is not equal to 0, ठीक है जी. ये हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है बाय यूजिंग द सेम ऑर्थोगोनल कंडीशन. व्हाट डज दिस मीन, दिस मींस दैट दीज टू वेव फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है जी. ऑल्सो वी सपोज टू लीनियर कॉम्बिनेशंस सच एज साई वन इज इक्वल टू साई वन प्लस ए इंटू साई टू और एंड साई टू इज इक्वल टू जीरो इंटू साई वन प्लस साई टू. हमारे पास जस्ट सपोज की हमने दो कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास क्या होगी, psi 1 bra into psi 1 ket, which is equal to 0, ठीक है जी, in terms of ket bra. अब अगर हम putting in equation 4 and equation 5 in equation 6, अगर हम 6 equation में substitute कर लें, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास आ जाएगी in terms of bra psi 1 plus a psi 2 bra into 0 psi 1 plus psi 2 ket, which is equal to 0. और इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट सपोज जो अपर वैल्यूज आपके पास हैं वो दैट इज इक्वल टू जीरो, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले आप, तो ये आपके पास आ जाएगा साई वन ब्रा इंटू साई टू कैट प्लस ए इंटू साई टू ब्रा इंटू साई टू कैट विच इज इक्वल टू जीरो. नाउ फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साई टू ब्रा इंटू साई टू कैट विच इज इक्वल टू वन, ठीक है जी. इस कंडीशन को हम कहते हैं, या आप इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी. आप इंटीग्रेट कर ले साई टू इनटू साई टू स्टार साई लिख लें इनटू डी टॉ इज इक्वल टू वन, ये आपके पास कंडीशन है. लेकिन चूंकि यहां पे हमने एक्सप्रेस की है इन टर्म्स ऑफ कैट ब्रा नोटेशन, तो हमारे पास क्या आई, दिस इज इक्वल टू वन. दिस मीन्स दैट दिस इज बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन या नॉर्मलाइज्ड कंडीशन. और सेकंड में आपके पास इसी इक्वेशन में अगर देखें तो आपके पास इसके दो पार्ट्स हैं ना, इसी लेफ्ट साइड पे फर्स्ट जो सेकंड पार्ट है दैट इज इक्वल टू वन, और जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज साई वन एंड साई टू दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टू वेव फंक्शंस, ठीक है जी. वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. और लेट सपोज अगर हम सपोज कर लें कि साई वन ब्रा इंटू साई टू कैट दिस इज इक्वल टू सेम कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू सी, अगर हम इसको सी सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारे पास क्या होगा, c plus a into 1 that is equal to 0 or a is equal to minus c. तो आपके पास जो है ना इक्वेशन क्या आ जाएगी, psi 1 is equal to psi 1 minus c into psi 2 या psi 2 is equal to psi 2. So this means that कि अगर आप ये इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 9, 8 एंड इक्वेशन 9 अगर आप ले लें तो psi 1 एंड psi 2 आर ऑर्थोगोनल इफ वी चेक द कंडीशन psi bra into psi ket which is equal to 0 and have the same eigen value a. तो क्या होगी, अगर आप psi 1 और psi 2 ले लेते हैं which are linearly independent, तो कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी, उनकी वो करस्पोंड करेंगे एक ही eigen value जो कि आपके पास a है. सो दिस मींस दैट द टू वेव फंक्शंस दे आर डीजनरेट वेव फंक्शंस करस्पोंडिंग टू द eigen value a, ठीक है. अब आपके पास जो है साई वन है विच इज इक्वल टू साई वन माइनस सी इंटू साई टू, और अगर आप ऑपरेटर अप्लाई कर लें यहां पे इस पर्टिकुलर कंडीशन पे बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए कैप इंटू साई वन इज इक्वल टू ए कैप साई वन माइनस सी इंटू ए कैप साई टू, और ये आपके पास आ जाएगी इंटू ए साई वन माइनस सी इंटू ए साई टू, ठीक है जी. ये आपके पास आइगन वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के, और राइट साइड पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते कॉमन लेके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a cap into psi 1 is equal to a into psi 1 या psi 2 is equal to psi 2 which is equal to a cap into psi 2 is equal to a cap into psi 2. So this means that आपके पास
जब आपने ऑपरेटर अप्लाई की साई टू पे, दैट इज इक्वल टू ए आइगन वैल्यू है इनटू साई टू विच इज द सेम फंक्शन, ठीक है जी। तो आपके पास नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 साई टू एंड साई वन हैव द सेम आइगन वैल्यू दैट इज ए जी। हेलो सर, कोई जॉइन करना जी जी करना चाह रहा है सर, वो नहीं मेरे पास नहीं आई है ना, उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे पास। मेरे पास आप में से जिस जिसने भी रिक्वेस्ट सेंड किए, मैंने यहाँ पे ज्वाइन की है और मेरे पास कोई इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं आई है। ये आप देख सकते हैं ना स्क्रीन पे, देयर इज नो एनी रिक्वेस्ट। कब से मैसेज कर रहे हैं? नहीं मेरे पास नहीं आई है। एनीवेज अच्छा जी, सिमिलरली एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू एन फोर डीजनरेट आइगन वैल्यू कैन बी orthogonalized by extension of the above process known as the Gram-Smith orthonormalization process, ठीक है जी। In a same way आप इसको जो ना transform कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि just एक procedure है, एक जो है ना तरीकेकार है जो कि हम जो ना यहाँ पे perform करते हैं। अब जरा देखें कि ये क्या कह रहा है कि degenerate eigen value, अगर हमारे पास if we have more than one functions which have the same eigen value, तो अगर हम जो है ना डीजेनरेट आइगन वैल्यू ले लें और करस्पॉन्डिंग टू सम फंक्शंस ले लें, तो वो हमारे पास क्या होगी, इन अ सेम वे एक प्रोसीजर यहां पे अडॉप्ट की है इन्होंने, ठीक है जी। व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन टू लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस एंड गिव्स सेम आइगन वैल्यू, देन द आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है जी। करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेव फंक्शन हमारे पास जो है ना एक आइगन वैल्यू आ जाएगी, उसको हम डीजनरेट कहते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया। लेट सपोज हम ए ऑपरेटर यूज करें साई वन पे, साई टू पे, साई थ्री पे या अप टू साई एन पे अप्लाई करें, लेकिन हमारे पास आइगन वैल्यू जो है वो लेमडा आ रही है। देखें कंसिस्टेंटली हम यहाँ पे लेमडा, वो आप वन फोल्ड ले लें, टू फोल्ड ले लें, थ्री फोल्ड ले लें या एन फोल्ड आप ले लें, तो उसको हम कहते हैं आइगन जो है ना डीजनरेट आइगन वैल्यू। अब आपके पास एक और जो है ना टर्म है जिसको हम कहते हैं नॉन डीजेनरेट वैल्यू। अब जाहिर बात है डीजेनरेट मींस सेवरल वेव फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू। अगर आपके पास आइगन वैल्यू जो है ना करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेव फंक्शंस आपके पास वेरी करे, तो हम कहेंगे कि दैट वेव फंक्शन इज बेसिकली दैट आइगन वैल्यू इज नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप ए ऑपरेटर अप्लाई कर ले तो आपके पास लेमडा साई आ जाएगा साई पे। अगर आप एक और जो है ना ऑपरेटर अप्लाई करते हैं सी इंटू साई पे, तो आपके पास वहां पे क्या होगा a cap into psi, और corresponding to this operator we can get another eigen value which is c. So as a result हम क्या कहते हैं from equation 1 and 2 we have the same eigen value lambda, but psi and c psi are not linearly independent functions, therefore eigen value is not degenerate and called non-degenerate eigen value. आपके पास eigen value जो है ना वो सेम रही, लेकिन चूंकि wave functions आपने यहाँ पे different use की हुई है, so as a result जो है ना आपके पास those wave functions are not linearly independent wave functions, ठीक है जी। सर अगर हम कोई specific example लेते हैं, कोई quantum system for example, हम किसी एक photon की बात कर रहे हैं जो कि extrapolation में भी है, wirelessly move कर रहा है ना, तो उसके अगर हम position के state देखें तो वो along x भी हो सकता है कोई भी, या momentum ही लिख लेते हैं, तो momentum along x भी उसका along y भी है, तो अब वो जो उसकी ओवरऑल स्टेट होगी वो सुपरपोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई होगी उसकी मोमेंटम की ना। तो अब अगर सपोज हम उसको जी सर, तो अब अगर हम इसको ये कह रहे हैं कि भाई दो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो फोटोन की एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम की वैल्यूज है, अब हम अगर मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं साई के ऊपर स्टेट के ऊपर, तो वो हमें सपोज कर ले कि भाई जो वैल्यूज है एक्स वैल्यूज वो दोनों के सेम आगे दूर दे रहे हैं, तो इस फिजिकल मीन क्या होगी, जो एन वैल्यू है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम ये बोलेंगे कि भाई कोई स्टेट फंक्शन है क्वांटम पार्टिकल एक सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन आप जब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और अगर आप हम कहते हैं कि वो डीजनरेट आइगन वैल्यूज हैं, वो जो स्टेट है वो डीजनरेट स्टेट है, और अगर आप स्टेट आइगन वैल्यू आती है तो इसको अगर नहीं आती है तो इसका मतलब वो नॉन डीजनरेट है, तो फिजिकली अगर आप फोटोन की बात करें अगर इसको वाइब्रेशन मोमेंटम के लिए आइगन सेम आती है तो इनका डीजनरेट होने का क्या मतलब होगा, अगर नहीं आया तो जो है नॉन डीजनरेट। जी जी जी, लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। तो जैसे इन्होंने कहा, ये जफर ने जो है ना एक अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं भी चूंकि यहाँ पे हम मैं एक्सप्लेन जो है ना पहले भी मैंने किया आपको कि अगर हम जो है ना ये जो वेव फंक्शन है जो एसोसिएट है उस पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल के, ठीक है जी,
और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो वेव फंक्शन है ये आपके पास बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एक उस पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है जी, यू हैव नंबर ऑफ इनफाइनाइट वेव्स एसोसिएट हैं उस पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ जब आपके पास नंबर ऑफ वेव्स हैं तो उस कंप्लीट बिहेवियर को आपने रिप्रेजेंट की है साई से, ठीक है जी। अब साई के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, यहां पे जरा देखे ना, आपने साई पे एक ऑपरेटर अप्लाई की तो आपके पास एक आइगन वैल्यू आ गई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेव फंक्शन, एंड साई इज बेसिकली साई इज अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट दोज पर्टिकुलर वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल। सो वी हैव बंच ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, सो हाउ वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन, we can get that information by applying certain kind of operator. We have different kind of operators, for example position operator, momentum operator, energy operator, or we have total energy operator, Hermitian of any kind of operator which is operated on that particular wave function. Zahir baat hai, wo jo wave function hai wo represent kar rahi hai un particular number of waves ko aapke paas, us wave ki amplitude hai na, jahan pe aapne us wave ko localize kiya hai, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड आ रही है आपके पास बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ ऑल दोज वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दैट क्वांटम पार्टिकल। अब बात समझ आ गई? अच्छा, चूंकि अच्छा एक मिनट ना मुझे बोलने दे तो फिर आप जो है ना, चूंकि असल में ये है ना, आप ये जो आप बता रहे हैं ना, ये चूंकि हमने पहले इस चीज को पूरा डिस्कस किया हुआ है ना, तो हर टॉपिक में मैं बार बार वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वी नो कि ये वेव फंक्शन कहां से आई, वी नो कि ये ऑपरेटर जब ऑपरेट करेंगे इस वेव फंक्शन के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली आपके पास कोड है। अगर आप इस वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट जो है ना उसकी वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल सेम वेव फंक्शन, आप क्लोज करें ना, माइक क्लोज करें। अच्छा जी, अब आप अगर उस वेव फंक्शन पे आप डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करते चले जाएं, यू कैन गेट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। आप पोजीशन ऑपरेटर अप्लाई करें, आपके पास पोजीशन का जो ना करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आ जाएगी। अब आप ऑपरेट करें मोमेंटम ऑपरेटर, आपके पास मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग जो है ना उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन गेट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर जो है ना जो एम्पलीट्यूड आपने ली है उस पर्टिकुलर जो है ना सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स जो कि उस पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल के हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे ये क्या हो रहा है, हम जो यहां डिस्कस कर रहे हैं वो हम डीजनरेट वेव फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो डीजनरेट वेव फंक्शन में मैंने ये कहा कि अगर आपके पास जो है ना वो वेव फंक्शंस है, नंबर ऑफ वेव फंक्शंस व्हिच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, दोज वेव फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव, जाहिर बात है वेव फंक्शन क्या है, इसकी पूरी, इसके बैकग्राउंड में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, तो वो जो वेव फंक्शंस आपके पास हैं जो किसी जो है ना एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर्ड होगी, लेट सपोज आपके पास एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो साई वन है, सेकंड के करस्पॉन्डिंग साई टू है, और आपके पास इन दोनों जो क्वांटम पार्टिकल्स की जो आपके पास वेव फंक्शंस आ रही है, इनकी अगर जो आइगन वैल्यू है वो अगर सेम आती है आपके पास डिस्पाइट इसके कि उनके जो आइगन फंक्शंस हैं दोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीजनरेट आइगन फंक्शंस कहते हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पे जो कंडीशन इसने डिफाइन की कि नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है जी, अब नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू क्या है, डीजनरेट आइगन वैल्यू क्या है वो हमने, फिर डीजनरेट आइगन फंक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है जी, हमने यही अब जो हमने एक्सप्लेन की थी। तो ये जो आपके पास कंप्लीट जो किसी भी जो है ना साइज से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी बिहेवियर ऑफ दैट पार्टिकल, क्योंकि उस क्वांटम पार्टिकल के जो बैकग्राउंड में बिहेवियर है, जो उसकी जो है ना कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने जो है ना साइज से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो डिफरेंट जो है ना पार्टिकल्स आपके पास होंगे, डिफरेंट साइज होंगे आपके पास, ठीक है जी, तो वो आपके पास उस पार्टिकल की बिहेवियर। अब वहां से आप जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, कभी हमारे पास लेमडा है, कभी हमारे पास सी है, ए है, बी है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो साई है दैट हैज much more information regarding that quantum particle, ठीक है जी, and we can get any kind of information after localizing that particle in a particular region, or due to that localization you can get the amplitude, maximum amplitude, ठीक है जी, और वो maximum amplitude आपके पास क्या दे रही है, due to जिसको हमने represent किया है psi से, ठीक है जी, और psi को हमने probability density कहा है, और probability density क्या है, psi star psi है, ठीक है जी, और उस particular region में आपकी जो probability है उस पार्टिकल की अकरेंस की वो मैक्सिमम है, और उसको हम रिप्रेजेंट कर। अब यहां पे अगर आपके पास
वन पार्टिकल है, टू पार्टिकल, थ्री, मोर देन, आपने लिया हुआ है ना साई का, अगर आप यहां पे देख लें तो यू हैव साई वन से लेके साई एन तक, ठीक है जी, यू हैव नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ठीक है जी, जिनको आपने वेव फंक्शन में रिप्रेजेंट किया है, और उनकी अगर आप आइगन वैल्यू ले ले तो आपके पास सेम आइगन वैल्यू आ रही है बाय अप्लाइंग एनी ऑपरेटर ए. तो इसको हमने जो है ना डिजिग्नेट किया है, एक्सप्रेस किया है एज दी डीजनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है जी, और नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू फिर यहां पे ये सारा जो है ना एक्सप्लेन है कन्वर्सली, ठीक है जी, और साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, ठीक है जी, व्हेन टू डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन अ फंक्शन एंड गिव टू डिफरेंट वैल्यूज मल्टीप्लाइड विद द सेम फंक्शन, then this function is called simultaneous eigen function. ये simple, I know कि ये आप जो है ना पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी, आप इसको read भी कर सकते हैं, आप इसको, चूंकि मेरे पास यहाँ पे इस तरह की whiteboard available नहीं है कि मैं ये सारा जो है ना ये बता दूं, और ये पूरा एक में जो है ना यहाँ पे ये जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको ये अभी तक इस चीज का पता ही ना हो, ठीक है जी, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ अगर हमें मौका मिले क्लास का ना, तो मैं आपको ये जो स्टार्ट ले लेना क्वांटम मैकेनिकल की वेव फंक्शन से जाके एंड तक जो है ना उसकी क्या, ये पूरी जब तक आप व्हाइट बोर्ड पे डिमोंस्ट्रेट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट राइट यार, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स आप उसको, क्योंकि देखे ना क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास एक वेव मैकेनिक्स है जिसके लिए आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस है और डिफरेंट डायग्राम्स हैं. अब आप जब तक जो इंटरफेयर एम्पलीट्यूड को ड्रॉ नहीं करेंगे, लोकलाइजेशन शो नहीं करेंगे, उसकी मैक्सिमम साइज, तब तक आप उसको कंप्लीटली एलाबोरेट नहीं कर सकते on just way of talking. Yes, यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे represent किया, क्योंकि एक ही way हमारे पास बचता है कि हम यहाँ पे represent करें, ठीक है जी, वो हमारे पास ये है. अगर हमें जो है ना चांस मिले कि क्लास में हम ये ले लें, आई थिंक दिस इज बेटर, और एक क्लास मेरे ख्याल से कहीं पे मैं अरेंज भी कर लूंगा ताकि हम ये जो है ना ये कम अज कम एक चीज तो समझे कि यार क्वांटम मैकेनिक्स की जो फंडामेंटल जो है ना वो आप समझे. इस तरह से अगर ऑनलाइन पे मैं जबानी कलामी यहाँ पे कर लूँ तो Although कि ये क्लास तो हो रही है, लेकिन दिस कैन नॉट बी दी अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर एनी क्लास व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी. जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है जी, ये सब्सटेंशिएट नहीं करता है उस पर्टिकुलर क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर. उसके लिए आपके पास एक क्लासरूम व्हाइट बोर्ड जहां पे आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करें और इसको एलाबोरेट करें, ठीक है जी. एनीवेज ये हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं जो कि हम जो ना अगर फेस टू फेस क्लास हो जाए तो उसको हम कर सकते हैं. तो एनीवेज ये जो डेफिनेशंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दरमियान में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम, हमारे पास यही एक ही तरीकेकार है जिस पे हम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और हमारे पास इस तरह का जो बचा नहीं है, ठीक है जी. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं सर. जी हेलो जी जी बोले बोले ना, आपकी आवाज आ रही है, बोले. हेलो हेलो शेरबाज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. हेलो जी 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 आप जफर, आप सुन सकते हैं मुझे जफर? जी सर, जी तो यार आपकी ये आवाज आ रही है सर. अच्छा, आप देखे ना, आप सुन सकते हैं, लेकिन ये शेरबाज की आवाज नहीं आ रही है ना, इनका माइक ओपन है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है. माइक शेरबाज का बस ऑफ शो कर रहा है, शायद वो लाइन है ना, ये शायद, आप कंटिन्यू हाँ करें. जी, मुझे लगता है ना इनका, इनके पास इंटरनेट का इशू है शायद, इसलिए जो है ना यहाँ पे मसला आ रहा है. तो एनीवेज, तो ये जो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है कि अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, dy बाय dx एंड d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, ऑपरेटर आप अप्लाई करें एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x पे,
तो आपके पास जो है डेरिवेट करने से, फर्स्ट डेरिवेट करने से जो है ना आपके पास 3 है, सेकंड डेरिवेट करने से 9 आ जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, 9 और 3 आपके पास क्या है, आर द टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं। द फंक्शन 3x इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, ठीक है जी, जो कि आपके पास साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है लेकिन करस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट जो है ना आइगन वैल्यूज। और इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट ले लें आप कोई से दो फंक्शंस का, और ये दो फंक्शंस क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस हैं, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ द कंडीशन, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन गिवन है, फाई इंटू ब्रा इंटू साई कैट विच इज इक्वल टू फाई स्टार इंटू साई इंटू डी टॉ, ठीक है जी। तो ये क्या कह रहा है, इन एनोलॉजी विद द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू जियोमेट्रिकल वेक्टर्स ए एंड बी एज ए डॉट बी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन फाई एंड साई इज डिफाइंड जस्ट लाइक, अगर हम एज एनोलॉजी यूज करें ए और बी का, तो हमारे पास आ जाएगा फाई इंटू साई, जिसको हमने एक्सप्रेस किया है इंटू इंटीग्रेशन, ठीक है जी, इंटीग्रेशन इंटू साई फाई स्टार इंटू साई इंटू डी टॉ, ठीक है, तो वो हमारे पास। और अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं ए एंड बी, ठीक है जी, इफ टू ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट दे पोजेस अ साइमल्टेनियस सेट ऑफ आइगन स्टेट्स, ठीक है जी, अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी और वो कम्यूट करते हो, तो देन दे पोजेस अ साइमल्टेनियस सेट ऑफ आइगन स्टेट्स, तो वो उनकी जो आइगन स्टेट्स होंगी वो साइमल्टेनियस होंगी, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, लेट सपोज ए कैप इंटू साई इज इक्वल टू ए साई, और अगर हमारे पास ऑपरेटर बी ऑपरेट करें इसी जो है ना सेम कंडीशन पे, तो हमारे पास क्या होगा, बी कैप ए कैप साई इज इक्वल टू ए इंटू बी कैप साई, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए कैप बी कैप साई इज इक्वल टू ए इंटू बी कैप साई। तो अगर हम बी को वैल्यू असाइन करें, बी आइगन वैल्यू, तो हमारे पास क्या होंगे, ये दो ऑपरेटर जो है वो कम्यूट कर लेंगे। और अब कम्यूटेशन के आपके पास एक टोटल सेपरेट जो है ना फिजिकल एस्पेक्ट है, कि अगर आपके पास टू ऑपरेटर्स हों और वो ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे तो ये कंडीशन दी है कि साइमल्टेनियस जो है ना सेट ऑफ आइगन स्टेट्स होंगे, लेट सपोज ए की आइगन जो है ना वैल्यू हमने ए यहाँ पे ली है और बी की आइगन वैल्यू जो है ना बी आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी, तो साई क्या है, वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है ऑफ द ऑपरेटर्स ए एंड बी का, ठीक है जी, जो यहाँ पे ली है। अब यहाँ पे जो 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 ए और बी जो कम्यूटेशन का जो कंडीशन यहाँ पे यूज की है, उसको हम सेपरेटली अलग से डिस्कस कर लेंगे, कि दो ऑपरेटर्स व्हेन द टू ऑपरेटर्स कम्यूट विथ ईच अदर व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ दे कम्यूट विथ ईच अदर, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस की है इन टर्म्स ऑफ साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स, ठीक है जी। अब यहाँ हमारे पास जो है जो टाइम डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जर्वेबल है, अगर हमारे पास क्यू जो है वो ऑब्जर्वेबल है एक्स पी टी, जो कि डिपेंड करे एक्स पे टी पे और टी पे, देन हमारे पास उसका जो टाइम डेरिवेशन होगी टाइम वो क्या होगी, ठीक है, तो वो हम ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ड्राइव की है, और इसकी एक छोटी सी मैथमेटिक्स है, जरा यहाँ पे देख ले, तो चूंकि ये कैटब्रा नोटेशन में गिवन है और जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है मैथमेटिक्स है, ये आप यहाँ से जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चूंकि इसकी मैथमेटिकल जो है ना कुछ स्टेप्स हैं वो आप ड्राइव कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसको जो है ना इस तरह से रीड आउट करने की जरूरत नहीं है जी, मेरे ख्याल से माइक ओपन, जी जी बोले, यस जी, हसनैन हसनैन बोले, हसनैन जी बस सर, आज के लिए काफी है इतना। काफी, देखें एनीवेज, तो यहाँ तक जो है ना आप ये जो टाइम डेरिवेशन है, बहुत फिर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये जो ऑब्जर्वेबल है क्यों, जो कि डिपेंड कर रही है पोजीशन मोमेंटम और टाइम पे, तो उसकी जो है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, चूंकि यहाँ पे तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, जो एक्चुअल टॉपिक वो यहाँ पे गिवन है आपके पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल क्वांटिटी, ठीक है जी, किसी भी डायनामिकल क्वांटिटी की, किसी भी ऑपरेटर की, या किसी भी डायनामिकल क्वांटिटी की हम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या है, एवरेज वैल्यू है। तो जरा इस चीज को देखें, फिर ये आपको समझ आ जाएगी, ये जो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्चुअल जो इसका टॉपिक है वो यहां पे गिवन है। एज क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, सो वी टेक द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल दैट इज टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वी टेक हेल्प फ्रॉम द पोजिशन प्रोबेबिलिटी जिसको PXT कहते हैं। द वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल विच इज डिटरमिन व्हेन वी टेक अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अ पार्टिकल हैविंग द वेव फंक्शन साई एट द इंस्टेंट एंड देन एवरेज इट। तो देखें यहां पे आपके पास ये क्या कह रहा है कि चूंकि एज वी नो कि हम क्या कर रहे हैं, जो वेव फंक्शन साई यूज कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फेनोमेना जिसको जिसका हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए साई लिया हुआ है, जो कि एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल के, और यहाँ पे हम उसकी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट की है हमने साई स्टार साई, ठीक है जी। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं दैट बेसिकली शोज दी प्रोबेबल अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर लोकलाइज रीजन, जो कि आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक जो है ना मेजरमेंट है, या जो कि आपके पास क्या है, एक प्रोबेबल जो है ना मेजरमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी डायनामिकल वेरिएबल की जो क्यों यहां पे उसने कंसीडर किया है दैट इज द डायनामिकल वेरिएबल, तो उस पर्टिकुलर डायनामिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास पोजीशन है तो पोजीशन की हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मोमेंटम है तो मोमेंटम की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी है तो एनर्जी की हम जो है ना एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज वैल्यू हम क्यों करते हैं, वो द रीजन इज बिकॉज जो डायनामिकल वेरिएबल है उसके आपके पास जो है ना एक प्रिसाइज जो है ना वो वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएट हैं उस पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ उनकी एवरेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है जी। उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज करते हैं, ठीक है जी। यू हैव वेरियस नंबर ऑफ जो है ना कैलकुलेशंस एंड देन यू एवरेज देम एंड देन यू कैन गेट। ये आपका माइक ओपन है ना सलीमा, सलीमा हेलो सलीमा, आप अपना माइक, अच्छा जी सो नाउ तो यहां पे आप क्या करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, देन यू कैन सम अप, जैसे यहां डेफिनेशन में इसने कहा था कि दी वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल विच इज डिटरमिन व्हेन वी टेक अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकल हैविंग दी वेव फंक्शन साई। तो अब साई से रिलेटेड हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो है ना हमारे पास जो कैलकुलेशंस आ जाती हैं, मेजरमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं एट द इंस्टेंट एंड देन वी डू द एवरेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डायनामिकल वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। तो यहां पे हम क्वांटम मैकेनिकली उसको डिजिग्नेट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल वेरिएबल, ठीक है जी, जिसको हम यहाँ पे, चूंकि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे गिवन है लेकिन जो प्रॉब्लम इसने सॉल्व की है यहाँ पे, ठीक है जी, ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्यों, तो यहां पे जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है दैट इज क्यों, ठीक है जी, क्यों गिवन है आपके पास। हेलो नहीं नहीं फिर आप चले जाएं, बस मैं क्लास में हूं, ठीक है, क्लास से लेट फ्री होऊंगा। तो ये आपके पास जो है वो एक डायनेमिकल वेरिएबल यहां पे गिवन है क्यों, ठीक है जी, वो फिर हम जो है ना इसको कंप्लीटली ड्राइव कर लेंगे और देख लेंगे कि ये किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारे पास गिवन डिफरेंट वैल्यूज हो तो हम उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जो है, लेट सपोज हमारे पास पोजिशन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं रिगार्डिंग एनी फंक्शन, फिर हमारे पास मोमेंटम की आ जाएगी, तो ये हम जो है ना फिर नेक्स्ट क्लास में इसको थारोली हम डिस्कस कर लेंगे जी। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जी। सर जी, अगर किसी फंक्शन के ऊपर